एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हाय, माय नेम इज अंशिका एंड इट्स गोना बी लॉन्ग टाइम। आई हैव नॉट अपलोडेड एनी YouTube वीडियो एंड आई थिंक नोबडी सीज बाय द वे। एंड आई हैव नॉट अपलोडेड फॉर लॉन्ग टाइम वीडियोस बिकॉज़ आई हैड वर्ल्ड वॉर 3 एंड इट वाज माय एग्जाम्स एंड सो इट वाज मतलब कल खत्म हो चुका है। एंड फ्रॉम टुडे आई एम गोना अपलोड माय वीडियोस प्रॉपर्ली ऑन लाइक एवरी वीक 4 वीडियोस। आई विल ट्राई विद दैट। एंड या गाइस, आप यहाँ पे यूज़ करते हैं कोई भी सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बेबी क्रीम भी यूज़ सकते हैं। लाइट फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको ज़्यादा हैवी फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना है। फिर उसके बाद चलिए हम अप्लाई करते हैं आई शेडो। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ एक थोड़ा सा लाइट ब्राउन में आई शेडो यूज़ करूँगी। वो ब्राउन कलर का होगा जो मैं अल्टीमेट से यूज़ कर रही हूँ। आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लगाना है। फिर उसके बाद मैं आप यहाँ पर लगाने वाली हूँ आईलाइनर। तो आपको बहुत पतला सा आईलाइनर लगाना है, क्लासिक आईलाइनर लगाना है आपको। तो आप देख सकते हैं इस तरह आपको अप्लाई करना है, वो भी बहुत लाइट से और बहुत थिन से अप्लाई करना है। जैसे आपको दोनों आंख में ऐसे लगाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं मस्कारा। तो यहाँ पे मैं मस्कारा भी पर्सोनिक का यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली पर्सोनिक मस्कारा मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लाइक है तो उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। फिर उसको मैं अच्छे से यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ नेक्स्ट लिपस्टिक। तो आपको लिप लाइनर ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप लिप लाइनर्स लगाते हैं तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपने लिप्स को एंड अपने लिप्स को थोड़ा थिक बना सकते हैं, लाइक थोड़ा मोटा फ्लफ़ी बना सकते हैं। तो आपको कभी भी लिपस्टिक लगाने से पहले आपको आउटलाइनर ज़रूर यूज़ करना है। और मैं आउटलाइनर से अपने लिप्स को फिल करूँगी क्योंकि मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसी लाइक लिप लाइनर को अंदर अपने लिप्स पे भर के अच्छे से कर दिया है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं मैं बाहर यूज़ कर रही हूँ लिप, मतलब थोड़ा सा अपने लिप्स को मोटा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे नीचे से ऐसे यूज़ करूँगी, फिर उसके बाद अच्छे से मैं इसको फिल कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं आपको ऐसे यूज़ करना है। फिर उसके बाद अच्छे से फिल करने के बाद आपका लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक हुडा ब्यूटी का, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद मैं अच्छे से अपने लिप्स को सेट कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी हल्का सा ब्लश, क्योंकि मुझे ब्लश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं लगाती। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है मेरे, बट थोड़ा सा लाइट से लगा लूँगी क्योंकि ज़्यादा ब्लश अच्छा नहीं लगता है। लाइक आप हाइलाइटर ज़रूर लगा सकते हैं क्योंकि आपको ब्लश लगाना अच्छा नहीं लगता है। तो लाइक हाइलाइटर आप ज़रूर लगा सकते हैं क्योंकि उससे भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है और आपकी मेकअप बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर नेक्स्ट पहनने वाली हूँ इयररिंग्स। तो आप देख सकते हैं मैं कोई भी इयररिंग्स पहन सकती हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा, जो आपको भी अच्छा लगेगा आप वही इयररिंग्स पहन लेना। तो यहाँ पे मेरा लुक क्रिएट हो चुका है। मैंने सो गाइस ये मेरा फाइनल लुक है एंड आई होप आप सबको अच्छा लगे मेरी लुक एंड मेरे चैनल को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरा मेकअप लुक भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड बी सेफ बी हैप्पी। बाय बाय एंड चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।